विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। पलामू से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। पांडू प्रखंड अंतर्गत सिलदिली पंचायत में स्थित रामानुज मठ के हनुमान मंदिर का जमीन मापी का कार्य अधूरा छोड़े जाने के कारण पांडू प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के पास किया हंगामा। मिली जानकारी के अनुसार जमीन महावीर स्वामी के नाम से 14 एकड़ 1 डिसमिल रजिस्ट्री किया जा चुका है, जिस पर कुछ लोगों का कब्जा है। अंचलाधिकारी पांडू शंभु शरण के आदेशानुसार जमीन की मापी की जा रही थी, जिसका विरोध करते हुए उसी ग्राम के कुछ अन्य लोगों ने जमीन अपना होने का दावा करते हुए मापी को रोक दिया। मापी को रोकने के पश्चात ग्रामीण भड़क उठे तथा अंचलाधिकारी पांडू से पूरी जमीन की मापी कराने की मांग करने लगे। अंचलाधिकारी पांडू श्री सिंह ने लोगों की भीड़ देखते हुए उन्हें ऑफिस से बाहर जाने की बात कही, तब तक ग्रामीण और भड़क गए। वहीं सांसद प्रतिनिधि पांडू कृष्ण विजय सिंह ने अंचलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में अंचलाधिकारी पांडू श्री सिंह ने कहा कि यह जस्टिस का मामला है, जब तक सुनवाई नहीं करूंगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं। जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि कृष्ण विजय सिंह, मुन्ना पांडे, अंकित सिंह, विजय सिंह के साथ साथ अन्य कई लोग उपस्थित थे।